कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि एक जगह पे मेला लगा होता है। उस मेले में बहुत भीड़ होती है। तभी एक आदमी एक औरत का पर्स छीन कर भाग रहा होता है। तभी उसे पुलिस ऑफिसर देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी वो आदमी टनल से एक रेलवे लाइन की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर भी रेलवे लाइन की तरफ जाता है तो वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। जैसे ही अंधेरे में वो आगे बढ़ने लगता है तो जैसे एक मार्क्समैन आता है और उसके मुंह पे कपड़ा बांध देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब पुलिस ऑफिसर की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो एक मशीन से बंधा हुआ है और उस पुलिस ऑफिसर की जीभ भी उस मशीन से बहुत बुरी तरीके से बंधी होती है। पुलिस ऑफिसर बहुत छूटने की कोशिश करता है मगर छूट नहीं पाता। तभी वो देखता है कि नीचे एक टेलीविजन रखा होता है। तभी उस टीवी पे एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है। वीडियो में वही मास्कमैन होता है जिसने उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ा था और वो बोलता है कि पुलिस ऑफिसर ने बहुत सारी झूठी गवाहियां दी हैं इसलिए उसे ये सजा मिली है। और कुछ देर में यहाँ पे ट्रेन आने वाली है और उस पुलिस ऑफिसर के हाथों को पीले वाले तारों से बांध रखा होता है जिससे वो खुला ही नहीं पाता और पूरा हाथ में खून खून हो जाता है। और वो मास्कमैन उसे बोलता है कि अगर उसे बचना है तो उसे लटक जाना चाहिए जिससे कि उसकी बॉडी के वेट की वजह से उसकी जीभ भरी हवा में रहेगी। उसे ये सजा मिली है क्योंकि उसने कई सारी झूठी गवाहियां दी थी। तभी पुलिस वाला बहुत डर जाता है और अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसके हाथ नुकीले वाले तार से बंधे होते हैं। मगर पुलिस वाला जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसके पूरे हाथों में खून खून हो जाता है। मगर हाथ खोलने में बहुत देर लग जाती है। तब तक ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन उसे उड़ा देती है और उस पुलिस ऑफिसर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उसकी जबान ऊपर ही टंगी रहती है। इस बीच वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। अभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम जीक होता है, जीक अपने दो तीन साथियों के साथ प्लान बनाता है कि वो एक ड्रग लीडर को लूटेगा। तो वह सारे वहां से निकल रहे होते हैं। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस उन्हें वहां से ले जाती है। यहां पे हमें एक बड़ा राज खुलने को मिलता है कि वो जीक कोई गैंग का लीडर नहीं था, वो एक डिटेक्टिव था। उसका ये प्लान था बाकी ड्रग डीलर को पकड़ने का। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो एनजी उस पर खूब चिल्ला रही होती है। वो बोलती है कि इस तरह से उसकी जान पे भी खतरा बन सकता है। तभी एनजी जीक को बोलती है कि उसे एक लोकल पुलिस वाला ले जाना चाहिए था साथ में। तभी जीक बोलता है कि उसे लोकल पुलिस वालों पे जरा सा भी विश्वास नहीं है। जीक बोलता है कि उसे इसलिए किसी भी लोकल पुलिस वाले पे विश्वास नहीं है क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले एक करप्ट पुलिस वाले को पकड़वाया था जिससे कि उसे मेडल मिला था मगर बाकी पुलिस वाले उसे नफरत करने लगे हैं। तभी एनजी बोलती है कि उसे एक नया साथी मिलेगा, वो न्यू है, काम चलाना पड़ेगा। तभी जीक एनजी के कैबिन से बाहर निकल जाता है और अपनी टेबल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही अपनी टेबल की तरफ जाता है तो देखता है कि उसकी टेबल पे एक मरा हुआ चूहा पड़ा होता है। वो समझ जाता है कि ये चूहा उसके बाकी साथी पुलिस वालों ने डाला है जो उसे बिल्कुल नफरत करते हैं। तभी वहाँ पे उसका नया साथी आ जाता है जो एनजी ने भेजा था और वो बोलता है कि वो उसके फादर से बड़ा इम्प्रेस है, उसने ये डिपार्टमेंट ही ज्वाइन उसके फादर की वजह से किया है, वो उसके फादर को आइडल मानता है। तभी वहाँ पे एनजी आती है और बोलती है कि बातें बहुत हो गई हैं, अब तुम दोनों को काम के लिए लग जाना चाहिए, एक रेलवे ट्रैक पे एक एक्सीडेंट हो चुका है। और वह दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा खून और बॉडी के टुकड़े पड़े होते हैं। वो दोनों भी नहीं पहचान पाते कि ये लाश किसकी है और वह दोनों वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। तभी जीक का वहाँ पे एक पार्सल रखा होता है। जीक उसे ओपन करता है तो उसमें एक पेन ड्राइव होती है जिसपे लिखा होता है प्ले मी। जैसे ही जीक उसे प्ले करता है तो एक अजीब सी वीडियो चलने लगती है और उस वीडियो में एक सिर्फ वॉइस होती है जो बोलती है कि ये करप्ट पुलिस वाला था, इसने काफी झूठे बयान दिए थे इसलिए इसे मार दिया और बाकी पुलिस वाले भी ऐसे ही मरेंगे। और उस वीडियो में जो पिक्चर दिखाते हैं उसे जीक पहचान लेता है कि ये पिक्चर कहाँ की है और वह दोनों वहां के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही जीक वहां पे पहुंचता है तो देखता है वहां पे एक और पार्सल रखा होता है। जीक उसे ओपन करता है तो उसमें एक जुबान होती है और उस पुलिस ऑफिसर का बैच नंबर होता है। बैच नंबर जैसे ही जीक देखता है तो पहचान लेता है कि वो तो उसके दोस्त का बैच नंबर है। जीक यहां पे बहुत सारा गुस्सा हो जाता है और वह एनजी के ऑफिस में आता है तो एनजी बोलती है इस केस का लीडर तुम ही हो, अब इस केस को तुम ही लीड करोगे। और फिर जीक वहां से निकल जाता है और उसी पुलिस ऑफिसर के घर पे जाता है, उसकी बीवी से मिलता है और बोलता है कि जिसने भी ये किया होगा वो उसे पकड़ लेगा। जीक वहां से निकल के फिर अपने घर चला जाता है। जैसे ही अपने घर में घुसता है तो देखता है कि उसके फादर वहां पे होते हैं और उन दोनों में फिर बहस स्टार्ट होने लगती है। जीक अपने फादर से भी रूड होता है, उसका कहना होता है कि उसके फादर उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और उसके बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तभी वो विंडो की तरफ जाता है और उसे पुरानी यादें, जीक की पुरानी यादों में दिखाया जाता है कि जीक का एक साथी था जिसने एक बंदे को गोली मार दी थी सिर्फ ये कह के कि विटनेस ने उसकी तरफ बंदूक टान दी थी। तो जीक हैरान हो जाता है कि विटनेस कभी ऐसा नहीं करते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एनजी ने दो पुलिस वालों को एक भेजा होता है उसी मार्क्समैन को पकड़ने के लिए। तो वो कैमरे की मदद से जो रिकॉर्डिंग होती है उन्हें देख देख के वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए एक जगह पे जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। जैसे ही वहाँ पे वो घुसता है तो वही मार्क्समैन आता है, उसके पीछे से ही कपड़े से उसका मुंह बांध देता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और वो मार्क्समैन उस पुलिस ऑफिसर को एक बाथटब में बांध देता है, उसके मुंह पे एक लोहे का जाल लगा देता है और उंगलियां सरदारों से बांध देता है और उस बाथटब में पानी भर रहा था। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और जीक अपने फादर के लिए खाना लेके आता है मगर जीक के फादर उसके घर पे नहीं होते हैं। तो जीक वहाँ से फिर ऑफिस चला जाता है।
जैसे ही जेक ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक नया पार्सल आया है। जैसे ही पार्सल ओपन करता है फिर से पेन ड्राइव होती है, उस पर लिखा होता है प्ले मी। जैसे ही पेन ड्राइव वो दोबारा लगाता है तो उसमें फिर एक वीडियो चलने लगती है और उसपे एक कार, इस बार गाड़ी का फोटो आ रखा होता है। इस बार जीक पूरी टीम के साथ वहाँ उस गाड़ी की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही जीक गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो मरा हुआ पिग बाहर आता है, उस गाड़ी में एक पार्सल भी रखा होता है। जब जीक उस पार्सल को खोलता है तो उसमें कई सारी उंगलियां होती हैं और डैश नंबर होता है। तभी जीक को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर उस मास्क मैन को पकड़ने के लिए निकला था, तो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी होती है। तो वहां पे एक टीवी रखा होता है, उस टीवी में फिर से एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर की मौत कैसे हुई। उस पुलिस ऑफिसर को बचने के लिए अपनी उंगलियां अपने हाथ से खींच कर बाहर निकालनी थी जो तार से बंधी हुई थी। उसके पास 2 मिनट होते हैं, 2 मिनट बाद उस टब में जो पानी भर रहा था वो तारों से टच हो जाता है और पूरे टब में करंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो जीक वहां से सीधा अपने घर चला जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके फादर अभी तक वहां पे नहीं आए, और फोन करता है तो उसके फादर कोई फोन भी पिक नहीं करते हैं। और अगले दिन जीक ऑफिस जाता है तो देखता है कि नया वाला डिटेक्टिव भी नहीं आया है अभी तक ऑफिस। जीक के पास एक और पार्सल आता है जिसमें एक वाला मास्क पहना हुआ एक टॉय था, और उस टॉय के ऊपर रियल स्किन थी जिसपे चार्ली लिखा होता है। और जीक पहचान लेता है ये टैटू तो उसके साथी डिटेक्टिव के हाथ पे था, और वह सीधा वहां से उस मीट शॉप पे चला जाता है क्योंकि जीक के फादर ने एक बार बताया था जहाँ जानवरों की खाले उतारी जाती है उस शॉप के बारे में। तभी जीक वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी जीक वहाँ पे शॉप के अंदर जाते ही देखता है कि एक बॉडी टंगी हुई है जिसके पूरी खाल उतार रखी है। तभी जीक को याद आता है कि उस बॉक्स में एक लेटर भी था जिसपे लिखा था जब तुम अपने लोगों को बचाने लगोगे तभी तुम्हारा एक और साथी पकड़ लिया जाएगा। तो जीक सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है और एनजी को फोन करता है, मगर एनजी तो फोन उठा ही नहीं पाती क्योंकि एनजी को उसी मार्क्समैन ने पकड़ रखा होता है। उस मार्क्समैन ने एनजी को एक टेबल में बांध रखा होता है, उसके मुंह पे सफेद कपड़ा रख देता है और उसे बोल देता है कि गरम गरम वैक्स उसके मुंह पे गिरेगी जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी क्योंकि उसने भी कई सारे केसों पे पता डाला है, इसलिए उसके मुंह पे आज सफेद कलर का पता डाल दिया था। जैसे ही जीक पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि एनजी का पूरा मुंह गरम गरम वैक्स से पूरा ढका हुआ है। जैसे ही जीक के मुंह पे वैक्स हटाने लगता है तो एनजी मर जाती है क्योंकि उसके पूरे गरम गरम वैक्स से उसका दम घुट जाता है, उसकी पूरी खाल भी चेहरे की उतर जाती है। और जब वो कैमरा चेक करता है तो उसमें देखता है कि उसकी बीच की कई सारी रिकॉर्डिंग गायब है, और उसे पता होता है कि क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के कैमरे में एक्सेस तो सिर्फ एक पुलिस वाला ही कर सकता है, और उसे शक हो जाता है कि शायद कोई पुलिस वाला ही है जो सब कर रहा है। और पुलिस स्टेशन में एक नया ऑफिसर आता है और बोलता है जीक के फादर का अकाउंट अभी भी ओपन है, वो भी एक्सेस कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। तभी जीक को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। जीक वहां से निकल के सीधा चर्च पहुंचता है एक पुलिस ऑफिसर के ढूंढने के लिए, मगर वो भी वहां से गायब होता है। जैसे ही जीक चर्च से बाहर निकलता है तो उसे भी वो मार्क्समैन पकड़ लेता है, और जीक की जब आंख खुलती है तो देखता है कि उसका एक हाथ बंधा हुआ है, और जीक जिस पुलिस ऑफिसर को चर्च में ढूंढने गया था वो सामने बंधा हुआ है। जीक जब आसपास ढूंढता है तो वो देखता है कि उसके पास एक छोटी सी पिन पड़ी होती पैर के पास। तभी वो पैर से उस पिन को अपने पास खींचता है और उस पिन से ताला खोल लेता है। और जैसे ही वो लड़के पुलिस वाले को बचाने जाता है तो तभी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। उस रिकॉर्डिंग में होता है कि इस पुलिस वाले ने कई सारे मासूम लोगों की जाने ली है, इसलिए ये भी मरेगा। जैसे ही जीक उसे उस लटके पुलिस वाले को बचाने के लिए कोशिश करता है तो मशीन स्टार्ट हो जाती है और सारा शीशा क्रश होके उस लटके पुलिस वाले की तरफ आने लगता है। जीक उसे बचाने की कोशिश करता है मगर जब तक वो पुलिस वाला मर जाता है। जैसे ही जीक वहां से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने उसके वही नया डिटेक्टिव खड़ा है। वो देख के हैरान हो जाता है। नया डिटेक्टिव उसे सारी बातें बता देता है कि वो ही ये सब काम कर रहा है क्योंकि उसके फादर को भी फालतू में मार दिया था उसके सामने। और वो जीक को एक ऑफर करता है कि वो सही है तो वो उसके साथ जुड़ जाए इस काम के लिए। तो जीक को मजबूरन मानना पड़ता है क्योंकि उसे अपने फादर को बचाना था। तभी वो नया डिटेक्टिव पुलिस वालों को कॉल करता है और बोलता है कि उसकी तरफ कोई फायरिंग कर रहा है, और वो खुद ही हवा में हाथ उठा के बंदूक से फायरिंग करने लगता है। तो वो नया डिटेक्टिव जीक को बंदूक देता है जिसमें सिर्फ एक ही गोली होती है, और बोलता है कि वो अपने फादर को मार दे जिससे कि नया डिटेक्टिव समझ जाएगा कि जीक उसकी तरफ लॉयल है। अगर वह नया डिटेक्टिव को मार देगा तो उसके फादर तो वैसे ही मर जाएंगे क्योंकि वह ट्रैप में फंसे हुए हैं। तभी जीक एक चैन पे फायरिंग कर देता है जिस चैन पे उसके फादर लटके हुए थे, और उसके फादर नीचे आके गिर जाते हैं मगर वो बच जाते हैं। तो जीक उस नया डिटेक्टिव को मारने लगता है वहां पे। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और फायरिंग की आवाज सुन के वो सीधा अंदर आने लगती है, मगर अंदर का दरवाजा तो लॉक होता है। तभी वो अंदर के दरवाजे को काटने लगती है। उस दरवाजे से एक वायर जा रही थी जो सीधे जीक के फादर को एक नया ट्रैप में फंसा देती, तो वायर भी कट जाता है और जीक के फादर हवा में लटकने लगते हैं और जीक के फादर पूरी तरह ट्रैप में फंस जाते हैं। पुलिस वाले जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि जीक के फादर उनपे अटैक करने वाले हैं, इसलिए वह पुलिस वाले जीक के फादर के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और जीक के फादर वहीं पे मर जाते हैं। जीक वहां पे जोर जोर से रोने लगता है और वो नया डिटेक्टिव जीक को मुंह बंद रखने का इशारा देते हुए वहां से चुपचाप निकल जाता है। मूवी यहां पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।